देखिए नीरज के पापा मार्केट से धान लाए हैं, अब हम लोग चलेंगे 6 महीने खेती में, खेती करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या क्या घर मार्केट से बीज लाए हैं। वैसे हम बोरी को कलर देती हूँ, 4 पैकेट मैंने दामनी लिया हुआ है, छोटी बोरी देखिए आद्रा नीरज मार्केट से लाए हुए हैं। 2 किलो देखिए कुवारी धान है, जिसको हम लोग कुवारी बोलते हैं। 1 एक करके देखिए सारा धान अलग अलग करके भेजेंगे। बोरी अच्छे से पैक किया हुआ है, चाकू के साथ देखिए जो इसमें डोरी लगा है उसको काटूंगी। एक पैकेट खोल करके अलग अलग वैरायटी में अलग अलग पानी में भेजेंगे। शाम के टाइम धान को अच्छे से पानी में भिगोऊंगी और कल सुबह उसको छान के रखेंगे। तो इसको धान मैंने सुबह छानूंगी तो अच्छे से ढक कर अच्छे से लपेट कर कपड़ा में सूती रखेंगे। उसके बाद परसों खेत में ले चलेंगे डालेंगे। मैंने धान भिगो दिया है, अब चलूंगी सबसे पहले खेत में सुबह सुबह। खेत में आ गई हूँ, देखिए हमारे खेत में ढेर सारे कुत्ता हैं, देखिए इस तरफ, और यहाँ पे देखिए खेत में देखिए फांसी खेलते हैं, तो इसीलिए इसमें देखिए हम लोग बेहन डालेंगे और देखभाल करेंगे, नहीं देखेंगे जो सारा बेहन है ये लोग लूट कर नाश कर देंगे। सबसे पहले देखिए इनको सबको मार के भगाएंगे, नहीं कोई कुत्ता काट लेगा, क्योंकि अपने घर से हम काफी दूर से हमारा खेत है और पता नहीं इसमें कौन कुत्ता कैसा है। इसी पाइप से अभी देखिए खेत में सिंचाई होगा। नीरज पापा देखिए गए मशीन पे पानी चलवाएंगे। मैंने देखिए घर से खरी लाई हूँ और खेत में छीटूंगी। तो इसी पानी में देखिए सबसे पहले खरी को छीटेंगे और पानी पा जाएगी अच्छे, जो इसमें धोखा दिखाई पड़ रहा है अच्छे से फूल जाएगा। मैंने डाई लिया हुआ है और थोड़ा सा देखिए दवा है, इसमें डाल के अच्छे से मिलाएंगे। दवा देखिए मैंने लाई हूँ, अरे इसमें जैसे कि घास बहुत ज्यादा होती है बेहन में तो घास नहीं होगी, मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो जो हमारे धान का बीज है उसको नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए मैंने देखिए छोटे वाले पैकेट में थोड़ा सा लिया हुआ है। डाई में थोड़ा सा पानी, अब पानी में इसको डालते हुए पाउडर को अच्छे से मिलाएंगे। दवा और डाई देखिए दोनों एक में मिला लिया है और ऐसे ही छींटेंगे। नीरज के पापा देखिए खाद पानी में छींट रहे हैं और इसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और हम दोनों लोग मिलकर खेती करते हैं। नीरज के पापा देखिए अच्छे से डांड बना रहे हैं, बनाएंगे तो जो पानी सिंचाई होगा बाहर नहीं जाएगा। चलो देखिए ढेर सारा पानी हो गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है।
खेत में देखिए पानी भरा गया है, अब नीरज के पापा हिंगाएंगे। नीरज के पापा देखिए खेत में लकड़ी धंसा के चिन्ह लगाएंगे, और चिन्ह लगाएंगे दो तीन वैरायटी के धान है तो अलग अलग इसमें डाला जाएगा। मैं धान लेके खेत में आ चुकी हूँ, तो मैंने चार वैरायटी देखिए धान नीरज पापा मार्केट से लाए हैं, तो सोच रहे मैं इससे तसला में गिरा कर अच्छे से सुबह छिटाई करेंगे। तो ये 2 किलो देखिए मैंने बासमती लिया हुआ है, तो अच्छे से ये भी देखिए पानी मैंने भिगो दिया है। मैं धान देखिए खेत में छीटूंगी। एक बोरी के मैंने छीट लिया हुआ है, मैंने दूसरे बोरी छीटना स्टार्ट कर दिया है। इसी डंडे के सहारे मैं जाके छीटूंगी, इस तरफ नहीं जाऊंगी, नहीं देखिए पैर से जो मट्टी है वो ठंडा जाएगी। देखिए मैंने धान छीट दिया है, थोड़ा बहुत बचा है मैं छीट कर लेती हूँ। आज सुबह से देखिए हम लोग खेत में आए हुए हैं, काफी समय हो चुका है, देखिए शाम का टाइम हो चुका है, तो अब देखिए धान को मैंने छिटाई कर लिया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, छीटेंगे उसके बाद चलेंगे घर पे। लाल लाल दिखे दिखाई पड़ रहा है तो हमारे बासमती का धान है, जैसे बारी बारी से मैं छीट देती हूँ। अच्छे से पानी साफ हो जाता है, उसके बाद हम लोग बिया की छिटाई करते हैं। शाम के दोस्तों 6:30 बज चुका है, देखिए थोड़ा बहुत धान है अभी हम छीटेंगे। तो आज का हमारा खेती बाड़ी दोस्तों अच्छा लगा, दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।